नमस्कार। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में अगला सवाल एक सब्सक्राइबर है द व्हाइट फार्म के नाम से, बड़ा रोचक सवाल है। जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमें भी थोड़ा सा रिसर्च करने का, उस पर काम करने का मजा आता है, तो लगातार ऐसे सवाल पूछते रहिए। सो इनका एक बड़ा रोचक सवाल है, सर वैसे ऐसा नहीं है, अभी ये कैलकुलेटेड नहीं है, बेसिकली हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज पे। तो इनका सवाल है, सर भी जो हम पोल्ट्री लेटर जो हम पोल्ट्री से मैन्योर परचेज करते हैं, उसमें चिकन मैन्योर की एग्जैक्ट परसेंटेशन और नियरली कितनी होती है। बेसिकली मेरा अपना फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, तो जब ये सवाल पूछा गया तो हमने थोड़ा सा इस पे काम किया। सो पोल्ट्री फार्म इंडिया में दो तरह के होते हैं, एक होते तो बहुत तरह के हैं, ब्रॉयलर है, लेयर है, उसके बाद ब्रीडर है, क्लियर। सो हम जो चिकन मैन्योर ज्यादातर परचेज करते हैं, दो फार्मों के परचेज करते हैं, लेयर फार्म की, ब्रॉयलर फार्म की। अब जहां तक बात रही ब्रॉयलर फार्म की, ब्रॉयलर फार्म में जो हम चिकन मैन्योर वहां से परचेज करते हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा या राइस हस्क बिछाई जाती है नीचे, इसलिए हम इसे डीप लीटर सिस्टम बोलते हैं। अब वो जो नीचे लकड़ी का बुरादा या राइस हस्क बिछाते हैं, उसकी परत वेरी करती है टाइम टू टाइम। जैसे गर्मियों में हम 1 इंच के आसपास को परत रखते हैं, सर्दियों में हम उस परत को 3 से 4 इंच तक मोटा रखते हैं, ताकि जो चिकन हम रियर कर रहे हैं, जो मुर्गा हम रियर कर रहे हैं, उसको ठंड ना लगे। अगर हम 1 इंच की परत रखते हैं, 1000 मुर्गे के पीछे नियर अबाउट 2 टन के आसपास हमारा लकड़ी का बुरादा खपत होती है। और जो मुर्गा या कह लो जो ब्रॉयलर है, वो नियरली अगर हम वेट करें तो 30% के आसपास उसमें चिकन मैन्योर होता है। 30% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो अगर आप 2 टन खरीद रहे हैं तो उसमें सिर्फ 600 किलो ही प्योर चिकन मैन्योर होता है। दूसरी तरफ अगर हम ब्रॉयलर की लेयर की बात करें, लेयर फार्म में 100% ही क्या होता है, चिकन मैन्योर होता है। लेयर फार्म का जो चिकन मैन्योर है, उसमें मॉइस्चर की परसेंटेज नियरली 50 से अबव रहती है, 50%, 60%, 70%, इसके बीच में परसेंटेज रहती है चिकन मैन्योर की, वाटर मॉइस्चर की। और जो ब्रॉयलर फार्म हम यूज करते हैं, ब्रॉयलर फार्म का, इसमें 10 से 15% तक मॉइस्चर की परसेंटेज रहती है, और चिकन मैन्योर इसमें अगर कैलकुलेट करें तो 30% के आसपास रहता है। उसमें चिकन मैन्योर वो 100% ही चिकन मैन्योर है, और उसमें सिर्फ आपका जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की, सॉरी मॉइस्चर की, वो 50 से लेकर 70% तक रहता है। अब मशरूम इंडस्ट्री में एक मिथ है, मिथ ये है कि कौन सा चिकन मैन्योर यूज करें। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सिर्फ ब्रॉयलर फार्म का ही चिकन मैन्योर यूज होना है, ऐसा नहीं है। अकेला ब्रॉयलर फार्म का ही चिकन मैन्योर यूज नहीं कर सकते, आप लेयर फार्म का भी चिकन मैन्योर यूज कर सकते हो, सिर्फ जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो वेरी करती है। ब्रॉयलर फार्म के चिकन मैन्योर की जो परसेंटेज है वो 2.5% हम कैलकुलेट करते हैं, 2.5%। जो लेयर फार्म है, लेयर फार्म का जो चिकन मैन्योर है, उसकी वेरी करती है 4.5 to 5.5% के बीच में। तो इवन दो अगर आप का जो फॉर्मूला है उसमें चिकन मैन्योर की परसेंटेज आप मान लीजिए अगर 70% यूज कर रहे हैं ब्रॉयलर, तो उसके कंपैरेटिव आपका जो लेयर का चिकन मैन्योर है वो कम यूज होगा। सो ये पूरा एक जो ब्रॉयलर और लेयर, इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर इसका कंसेप्ट या आपको वीडियो अच्छी लगे,
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।